नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। साधना हॉस्पिटल ने इंदिरा पार्क में आरडब्ल्यूए प्रधान पवन डोगरा के सहयोग से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया, जिसका लाभ क्षेत्र की सैकड़ों लोगों ने उठाया। देखिए रिपोर्ट। इंदिरा पार्क की डेसू वाली गली में साधना हॉस्पिटल ने मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की बीपी, शुगर, वजन व आंखों की मुफ्त जांच की गई। ये कैंप आरडब्ल्यूए प्रधान पवन डोगरा के दफ्तर में लगाया गया था, जिसमें द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा, देव मानव सेवा के फाउंडर देव शर्मा, मंदिर के प्रधान मुद्रल, संरक्षक ज्ञान प्रकाश मक्कड़जी, महासचिव संजय गोयल, मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, प्रचार मंत्री सत्यनारायण टकलू व तमाम लोगों ने शिरकत की। देखिए, हेल्थ चेकअप कैंप्स तो ऑलवेज वेलकम है, और आज के डेट में जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं और जो कोरोना महामारी का हमने दौर देखा, ऐसे में अगर हम रेगुलर चेकअप कराते रहें तो मुझे लगता है आगे हम बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए मैं आरडब्ल्यू के तमाम पदाधिकारियों को, जो पवन डोगरा जी के नेतृत्व में लगी है, देव भाई हमारे हैं और साधना हॉस्पिटल के माध्यम से शुक्ला जी हमारे साधना हॉस्पिटल से आए हुए हैं, इनकी टीम कर रही है, तो मैं आरडब्ल्यू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सही मायने में प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आज जो प्रिकॉशन के जो हम लेंगे आज और आगे, उसको कुछ भी मान लो भी बीमारी पकड़ लेता है और आगे उसको दवाई से ठीक कर लेते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आरडब्ल्यू के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आगे भी ऐसे नेक कार्य करते रहें। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और मेरे क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते रहें, इसके लिए बधाई। और भी लोगों से विधानसभा के कहेंगे आरडब्ल्यू से कि इस तरह के कैंप्स लगवाएं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, बारिश में लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, क्षेत्र में अपील करें, कैंप लगवाएं। निश्चित तौर पर मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पहले ही अगर हम क्योर ले लें तो मुझे लगता नहीं आगे दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सभी आरडब्ल्यूएस से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, धार्मिक संस्थानों से, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कर रही हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस तरह कैंप्स लगवाएं। और आजकल हॉस्पिटल्स का बहुत धन्यवाद, जैसे साधना हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल्स आज के डेट में बहुत इसमें वॉलंटियरली हेल्प करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंप लगाते हैं, तो मैं अपील करना चाहता हूँ लगवाएँ और लोगों की मदद करें। सबसे पहले तो मैं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट श्री पवन डोगरा जी को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने यहां की जनता का ख्याल रखते हुए और मुझे संपर्क किया यहां पे कैंप लगाने के लिए। और इंदिरा पार्क एक ऐसी जगह है जहां पर ज़्यादातर मिनिमम आय वाले और मीडियम आय वाले लोग रहते हैं, और छोटी मोटी बीमारियों की तो ये लोग यहीं से दवाई ले लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल हमारा यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस एरिया में हमने कैंप लगा के अच्छा ही किया। यहाँ से अगर कैंप से हॉस्पिटल में जाता है कोई तो उसको कितना डिस्काउंट? देखिए, हमने यहाँ भी डिस्काउंट दिया हुआ है दवाइयों पे 20-25% तक, और ब्लड टेस्ट पे 30% तक का डिस्काउंट दिया है। अगर कोई ओपीडी और आईपीडी का पेशेंट यहाँ से आता है जो पवन डोगरा जी के रेफरेंस से आता है, तो बट नेचुरल है कि हम उसको जो है डिस्काउंट देंगे। इसका उद्देश्य सर, मैं अभी एक्चुअली आरडब्ल्यूए का नया नया प्रधान बना हूं, तो देव भाई साहब हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जो ये ऑलरेडी कैंप लगा चुके हैं और अपना वो एनजीओ भी चलाते हैं, उनके माध्यम से मुझे पता लगा भी ऐसे ऐसे कैंप लगवा रहे हैं, तो मैं भी कहा भी मैं भी लगवाता हूँ, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी थोड़ा सा इसका लाभ मिले, तो ये उद्देश्य रहा हमारा इसको लगाने का। मेरे हिसाब से कम हमारे पास सिस्टम लगभग 100 लोग के करीब तो आ चुके हैं, और 100 लोग आ चुके हैं तो नेचुरली वो और लोगों को बताएंगे, अभी तो टाइम है हमारे पास, और बढ़ेंगे लोग। और फ्री ये इन्होंने साधना हॉस्पिटल वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कैंप लगाया, इनके माध्यम से इन लोगों को फ़ायदा होगा। और ये मेडिसिन्स भी इसमें इन्होंने रखी हुई हैं, जिसमें जो है 20-25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका भी लोगों को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग को इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मीडियम वर्ग के लोग हैं, तो उनको इतना डिस्काउंट दवाई पे मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और फिर इन्होंने टेस्ट की सुविधा रखी है यहाँ पर, टेस्ट जो करवाना चाहता है, जो भी डॉक्टर सजेशन देंगे वो टेस्ट ये करेंगे, तो उसमें भी इन्होंने 30% तक की छूट दी है। और हमने कैंप लगाया तो हम थोड़ा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है और थोड़ी ज़्यादा छूट दे दें उसमें, तो इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा, तो
तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है इनका, शुक्ला जी का और साधना हॉस्पिटल का। हमारे देव मानव सेवा ट्रस्ट हरदम यह कैंप लगवाती रहती है, हर महीने कैंप लगते हैं। और मैं समझता हूँ जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं या जितने राजनीतिक लोग हैं उन्हें ऐसे कैंप लगवाने चाहिए। देखिए, डेढ़ साल से कोरोना से हम लोग पीड़ित हैं, लोगों का बजट भी बहुत ख़राब हो गया है और हॉस्पिटल के नाम से लोग डरते हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा शुक्ला जी का, बहुत टाइम से हमारे से जुड़े और बकायदा कैंप लगाते रहते हैं, कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। जो भी टेस्ट होते हैं उन पर 50% तक का डिस्काउंट दिलाते हैं, मेडिसिन पे 20-30% का डिस्काउंट। और इन्हीं टेस्टों को या इन्हीं डॉक्टरों को दिखाने के लिए जब हमें कभी भी किसी हॉस्पिटल जाना पड़ता तो 500 से 800 रुपये फीस देनी पड़ती है। तो कितने बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो भी अपनी बीमारी का ध्यान रख पाएँ, आपके डोर स्टेप आपके घर पे आके और वो आपका पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपका चेकअप करा रहे हैं, आपको आगे के लिए सलाह दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे काम करते रहने चाहिए और शुक्ला जी जैसे और 2-4-10 लोग होने चाहिए जो क्षेत्र में ऐसे कार्यों को करें। और मैं आपका भी इंडिया 24 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप अपने क्षेत्र के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी ना बहुत अच्छे से कवर करते हैं और जो जेन्युइनिटी होती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल पत्रकारिता ना बिक चुकी है, लेकिन आपकी जो पत्रकारिता वो ठीक है कि जो है वो मैं दिखाऊंगा, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी संस्था का हो, किसी को बढ़ा चढ़ा के या किसी को ले डाउन करके आप कार्य नहीं करते। तो आप भी बहुत बहुत आपको साधुवाद है कि आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा लोगों से भी कि जो ऐसे कैंप लगते हैं उसका फ़ायदा उठाइए, आइए, क्योंकि आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। बता दें, कैंप में साधना हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे। यहां न सिर्फ मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की गई बल्कि डिस्काउंटेड रेट पर दवाएं भी दी गई। आरडब्ल्यूए की पूरी टीम ने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए वो आगे भी ऐसे मुफ्त जाँच शिविर लगाते रहेंगे। साधना हॉस्पिटल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हर रविवार मुफ्त जाँच शिविर लगाता है। हॉस्पिटल की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंप का लाभ उठा सके। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।